नमस्कार जी मैं हूँ पुनीत और आज ये मेरा एपिसोड है uh, मैं क्यों कह रही हूँ कि आज ये मेरा एपिसोड है इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत कर लेती हूँ एस्ट्रो ओपीडी में uh, एस्ट्रो ओपीडी एक ऐसा शो है जिसमें हम आपकी चाहत की बात करते हैं कि आप क्या चाहते हैं आ, आपकी क्या आ, ऐसी कामनाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं क्या जिंदगी में अधूरा रह गया है जिससे कि जिसने आपको नाखुश किया हुआ है तो आपकी नाखुशी जी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है आप अगर उदास हैं तो फिर तो कहते हैं ना कि इस मंच का कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर आपकी दुख का समाधान नहीं कर पाए हैं तो तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि जो सब कुछ डिज़ाइन किया गया है या बड़ा सा सेट देख रहे हैं सुनील जी बैठे हुए हैं मैं बैठी हुई हूँ हम सब का आना बेमानी होगा हम सबकी मेहनत उस कैमरा जो सामने है जो कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं वो इन सब की मेहनत बेमानी होगी अगर हम आपको सही नहीं कर सके सुनील जी मैं तो क्या मेरे को तो कुछ नहीं आता लेकिन अगर सुनील जी आपको सही नहीं कर सके तो ये सब बेमानी होगा तो बहुत ही विश्वास के साथ लोग जो हैं जो परिवार बनता जा रहा है बड़ा होता जा रहा है वो सुनील जी के साथ जुड़ रहे हैं एस के साथ जुड़ रहे हैं और इतना प्यार मिल रहा है इतना विश्वास मिल रहा है Uh, मतलब जितना शुक्रिया करें उतना कम है तो uh, ये जो नंबर है ये आप ही के लिए है अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप मिल सकते हैं लक रिपोर्ट के बारे में बात करनी है तो भी आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं और uh, फिर और भी कोई बात है टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की बात है कंसल्टेशन की बात है तो भी यही नंबर है तो आपके लिए चीज़ें जो है वो ईजी कर रहे हैं uh, आज के डेट में ये भी जानने की ज़रूरत होती है हमें कि लाइफ uh, uh, में बहुत सारी नेगेटिविटी है कुछ काउंसलिंग चाहिए होती है ज्योतिष के साथ साथ तो इस इन सब चीज़ों का जो प्रबंध है वो एस्ट्रोपीडी में है तो uh, आपके लिए uh, जैसे कहते हैं ना कि अंडर वन रूफ सब मिलता है तो यहाँ पे अंडर वन इंसान वो सब मिलता है सुनील जी जो है uh, वो आपको जैसे जब आप आए ठीक है अभी आपने अभी कुंडली खोली भी नहीं होगी एंड यू विल डेफिनेटली से कि मुझे अच्छा महसूस हो रहा है ये भगवान की तरफ से है इसमें कोई जादू नहीं है कोई मेरेकल नहीं है लेकिन ये भगवान की तरफ से है तो आ, अभी बहुत जल्दी सुनील जी आपके शहर आ रहे हैं बैंगलोर आ रहे हैं दिल्ली आ रहे हैं पंजाब में आ रहे हैं पूरे पंजाब का जो है वो चक्कर लगाएंगे तो मुंबई ये सारी सिटीज़ में ये आएंगे और कब आएंगे इसके लिए तो आप जो है ये नीचे जो नंबर है इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं तो लकी व्यूअर भी, भी इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी जो आ, सीक्रेट टिप है वो भी इंतज़ार कर रही है हमने ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना आपको तो पहले स्वागत कर लेते हैं मैंने आ, एपिसोड के शुरुआत में ये बात कही थी कि आज का जो ये एपिसोड है ये मेरा एपिसोड है वो मैंने क्यों कही थी वो आपको बताऊँगी लेकिन पहले मैं स्वागत करती हूँ बहुत बहुत स्वागत है आपका सिमर जी आज सुनील जी को जुड़े हुए आ, कुछ साल हो गए हैं मेरे साथ दो साल के आसपास अप्रॉक्सीमेटली दो साल हो गए हैं और सुनील जी मेरी कुंडली नहीं देखते हैं <laughs> तो आज ना हम आपको पूरी बात तो नहीं बता सकते क्योंकि कुछ जो बातें होती हैं ना देखिए वो आप में और सुनील जी में रहेंगी आ, वो कुंडली कैसे देखते हैं क्या करते हैं लोग कैसे सवाल करते हैं सुनील जी कैसे जवाब देते हैं ये ऐसे नहीं कि बीस मिनट के लिए या दस मिनट के लिए कुंडली देखी बाद में अगला बुला लिया कि चलो आओ फटाफट से फिर कुंडली देखी पाँच दस मिनट के लिए तो इशारा कर दिया इनको भेजो अगले अगला अगला आ जाए यहाँ पे ऐसा नहीं है जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते सुनील जी आपसे बात करते हैं जब तक आपके सवाल खत्म नहीं होते सुनील जी के जवाब भी खत्म नहीं होते इतना आप याद रखिएगा तो आज हम आपको थोड़ी सी झलक बताते हैं कि सुनील जी कुंडली कैसे देखते हैं और आपको कितनी संजीदगी से आपकी समस्याओं को कैसी अपनी समस्याएं मानकर वो कुंडली देखते हैं लेकिन आज वो कुंडली मेरी देखेंगे आज बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है जब मेरी कुंडली सुनील जी देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है और आपको थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो जाएगा लेकिन मैं पहले ही कह रही हूँ सारी बातें नहीं खुलेंगी क्योंकि कुछ बातें पर्सनल होती हैं सुनील जी और उनकी, उनसे जो मिलने वाले आते हैं उनके दरमियान तो जो जो बातें बताई जा रही हैं उनको ध्यान में देखिए ध्यान से देखिए आपको अंदाजा होएगा और साथ साथ में आपको और भी ग्रहों के बारे में पता चलता जाएगा एंड फिर एंड में वो भी है सीक्रेट टिप ध्यान रखिएगा तो पूरा एपिसोड देखिए तो अभी शुरुआत करते हैं तो सुनील जी आपको मेरी कुंडली याद है पुनी जी आपकी कुंडली तो मेरे टिप्स पे है मैंने <laughs> आपके क्वेश्चन से पहले ही मैंने बना ली थी और पुनीत जी जो जिनको मेरे साथ जुड़े हुए दो साल हो चुके हुए हैं और मैंने स्टार्टिंग में एक बार जब हम मिले थे एक बार तो तब एक बार पनी जी ने इंटरेस्ट जाहिर किया था कि सर एक बार मेरी कुंडली देखिए तो मैंने बहुत बार इंटरेस्ट जाहिर किया था वो आपने इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया था उसके बाद देखिए जहाँ जब प्रॉब्लम होती है जब कोई मुसीबत होती है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और पुनी जी आपकी जिंदगी में आ... कोई ऐसी ट्रबल नहीं होने वाली मैं आपको पहले भी बोल हूं। मैं अभी भी नहीं मिली <laughs> आ, पुनी जी आपकी कुंडली ऐसी कुंडली है कि अगर ऐसी कुंडली को एस्ट्रोलॉजर देखे तो सबसे पहला रिएक्शन ये होगा की ये काश मेरी कुंडली होती क्योंकि मैं एक प्रोडिक्शन करने लगा हूँ आज मैंने शायद पहले भी की थी आज फिर फिर कर रहा हूँ आने वाले समय में आपकी एक मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि इनकी कर्क लगन की कुंडली है और लग्नेश इनके ऐसी जगह में बैठे हुए हैं जहां पे लोग विश करते हैं कि ऐसी जगह में बैठ जाए भाग्य स्थान में इनके लग्नेश बैठे हुए हैं वो भी किस में मीन में चार नंबर की कुंडली है चार नंबर इनका लगन है कर्क इनका लगन है कैंसेरियन ये है और इनका लग्नेश जो है चंद्र जो है वो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और मंगल के साथ महालक्ष्मी योग इनकी कुंडली में आपकी कुंडली में पुनी जी जी है है मतलब मतलब महालक्ष्मी महालक्ष्मी यानी कि बिल्कुल प, बिल्कुल पैसा पैसा का मतलब ही धन है, पैसा है, और ये वो पैसा नहीं जो थोड़ा बहुत है ये बहुत अच्छा वाला पैसा है जैसे जैसे आपकी मैं प्रोडिक्शन आपको यहाँ करने जा रहा हूँ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके पास लक्ष्मी आती जाएगी जैसे जैसे आपकी एज आगे बढ़ती जाएगी आपके पास पैसे का आगमन आता रहेगा लग्नेश जब जिस मैंने कई बार बोला है जब जिसका लग्नेश बड़ा मजबूत होता है सारे ग्रह एक साइड रख दीजिए लग्नेश सारे संसार से लड़ने के लिए काफ़ी है और इनका लग्नेश ऐसा है कि सारे संसार से लड़ने के लिए काफ़ी है लग्नेश भाग्यस्थान में बैठा हुआ है और भाग्यस्थान के मालिक इनके जो हैं वो हैं गुरु जो पंचम हाउस में बैठे हुए हैं और वो भी मंगल के घर में यानी कि मित्र के घर में यानी कि कंफर्टेबल जोन आपका त्रिकोण में बैठना इसका आपके लग्नेश का त्रिकोण में बैठना और भाग्येश का त्रिकोण बैठना ये अपने आप में एक महा योग बनाता है एक बहुत अच्छा योग बनाता है जो लोग तरसते हैं कि ऐसी कुंडली हमारी होती आप लकी हैं आपके पेरेंट्स लकी हैं जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया और प्रडिक्शन मेरी ये थी आने वाले समय में प्रोडिक्शन ध्यान से सुनिएगा मेरी और याद रखेगा और आप जो लोग सुन रहे हैं वो भी याद रखेगा इनको पुनीत जी को आप आने वाले समय में ज़्यादा समय नहीं है थोड़ा सा समय रह गया शुक्र की महादशा इनकी लगी हुई है थोड़ा सा समय रह गया आप मान के चलिए एक साल मोटा मोटा एक साल डेढ़ साल पड़ा है ये पुनीत जी बहुत बड़ा मंच शेयर करेंगे किसी बहुत बड़े आ, कह दीजिए कि बहुत दिग्गज कोई एक्टर होंगे और वो एक्टर कोई सेलिब्रिटी होंगे बहुत बड़े सेलिब्रिटी तो मेरे पास तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं <laughs> नहीं मैं अपने आपको सेलिब्रिटी नहीं मानता आ, नहीं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर तो आप हैं आपका बड़ापन है ये आपका ये दर्शकों का बड़ा बड़ापन है लेकिन आप किसी न किसी सितारे के साथ जो हमारे बॉलीवुड के स्टार्स हैं आप मानिए आपकी आ, स्टेज हो उनके साथ शेयर होगी और आप किसी अच्छे बहुत तगड़े जो बहुत नामचीन होंगे ऐसे बॉलीवुड एक्टर के साथ आप एंकरिंग करेंगे ये आप मेरी बात याद रखेगा आज से डेढ़ साल के बाद आप ये बात आपको रिमाइंड होगी कि सुनील जी ने ये प्रडक्शन की थी और हमारा साथ बहुत दूर तक चलने वाला है ऐसा नहीं है नहीं है लेकिन उस पीरियड में आप बहुत बहुत बड़ा मंच साझा करने वाले हैं और हो सकता है नेशनल टी चैनल हो उस पर आप दिखेंगे और लोग भी आपको देखेंगे कि ये पुनीत जी सुनील जी के साथ एंकरिंग करते थे ये यहाँ पे आज हम दिख रहे हैं हालांकि आने वाले सेलिब्रिटी एंकर हैं जो आप इन देखेंगे थोड़ा सा कुंडली में आपके वीक पॉइंट है ज्यादा नहीं बताऊंगा यहां पे ज्यादा डिस्कशन नहीं हो पाती थोड़ा सा वीक पॉइंट आपका है कि जिसकी आपकी दशा लगी हुई है शुक्र की ये थोड़े से वीक है ये एक दोष बना रहे हैं अपने से बारहवें घर में बैठे हुए हैं यानी कि एलेवंथ हाउस के लोग अपने से पिछले घर में बैठे हुए हैं बारहवें घर में बैठे हुए हैं ये थोड़ा सा वीक एक पॉइंट है लेकिन इसका अगर आप जेमस्टोन डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं सिंपल रेमेडी में आपको ज़रूर दे दूंगा जेमस्टोन डालना चाहें तो आप एक फायर ओपल 6.5 पॉइंट कैरेट्स का डाल लीजिएगा पुनी जी इंडेक्स फिंगर में डाल लीजिए इसको ओपल को आप और फायर ओपल डालिएगा 6.5 पॉइंट का डालिएगा और ये स्टोन आपके लिए बहुत काम करेगा और आपको खुद फील होगा ऊँचाइयाँ कैसे उचाइया तो आपने बहुत देखी है लेकिन एक्चुअल ऊंचाई का जो टाइम पीरियड आया वो आपका आने वाला है जो आपकी कुंडली में इस टाइम प्रोडिक्शन निकल के आ रही है बहुत अच्छी कुंडली है राहु उच्च के हैं आपकी कुंडली के अंदर शनि उच्च के, के केंद्र में बैठे हुए हैं कुंडली के अंदर महालक्ष्मी योग बना हुआ है और गुरु अपने मंगल की राशि में बैठे हुए हैं पंचम हाउस में और जब राहु उच्च का हो जाए शनि कुंडली के अंदर उच्च का हो जाए हालांकि ये चार नंबर लगन की कुंडली है लेकिन भागेश स्ट्रांग है लग्नेश स्ट्रांग है और कर्मेश बड़े स्ट्रॉन्ग हैं इनके और राहु जो आपको ऊंचाई देता है जिसने आपको ऊंचाई देनी है वो आपको राहु देगा राहु मिथुन का राहु और वृषभ का राहु इंसान को बहुत ऊंचाई देता है विदेश यात्रा आपकी करवाएगा ये काफ़ी करवाएगा और वो भी समय दूर नहीं है वो जल्दी जल्दी आपका समय आएगा तो विदेश यात्रा भी रहेगी और मोटा मोटा आपका जो कुंडली की वेटेज जो है जिसको मैं हमेशा देता हूँ कि वेटेज कितनी है कुंडली के अंदर आपकी कुंडली एट्टी परसेंट जो है बढ़िया कुंडली है ऐसी कुंडलियाँ बहुत रेयर होती हैं जिसमें ज़्यादातर प्लेट्स जो उच्च के होते हैं आपकी कुंडली में वो चीज़ें हैं आपकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी जैसे मैंने कहा आपकी ज़िंदगी में सक्सेस उतनी आपके पास आती जाएगी और आपको लाइफ में ट्रबल्स बहुत कम रहीं आपने शायद देखी बहुत कम होंगी और शनि और आपको आगे भी ट्रबल्स नहीं होने वाली हैं फैमिली आपकी अच्छी रहेगी परिवार आपका अच्छा रहेगा काम आपको कभी कमी नहीं एक बात याद रखिएगा मैं आप सभी दर्शकों को बता दूँ कर्मेश जब अच्छे होते हैं कर्मेश यानी कि शनि शनि जब अच्छे होते हैं अच्छे इनकी कुंडली में कैसे हैं तुला में शनि है शनि जब अच्छे होते हैं तो काम की कमी नहीं होती इंसान को काम कहीं से भी उठ के चल के घर पे आता है ऐसे लोगों को काम पे जाने की जरूरत नहीं होती ऐसे लोगों के पास काम चल के आता है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ऐसे लोग काम को बड़े सीरियसली ले लेते हैं और इस काम कोई भी काम अगर चल के आता है तो उसको बड़ा सीरियसली लेके उस प्रोजेक्ट उसको प्रोजेक्ट उसको समझ के उस काम को करते हैं इसलिए वो कामयाब हो जाते हैं अभी मैं वैसे पूछ रही हूँ जैसे आपके पास आते हैं लोग जी मिलने के लिए आते हैं मैं वैसे सवाल कर रही हूँ जैसा वो करेंगे इसके बाद तो वो इस टाइम वैसा सवाल करेंगे कि आप आपने बिल्कुल सही कहा काम चल के आता है काम बहुत है लेकिन पैसा नहीं है <laughs> ये पुनी जी आप जानते हैं मैं जानता हूँ <laughs> लक्ष्मी तो आपके ऊपर पूरी मेहरबान है जी आ, ये आप आपका दिल जानता है आपको पता है ये चीज़ लक्ष्मी आप पे मेहरबान है और ये हमेशा मेहरबान रहेगी क्योंकि जिस टाइम पे आपका बर्थ हुआ जिस नक्षत्र में आपका बर्थ हुआ वो बड़ा पॉजिटिव था और आपके आई थिंक आपका शायद हो रखा होगा और आपका मेरे फादर की डेथ भी हुई है। अभी, अभी हाँ जी तो क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में थोड़े से वीक है जब सूर्य कुंडली में वीक होते हैं तो कुंडली में क्योंकि सूर्य कुंडली के अंदर सोल होती है आत्मा होती है और ये कुंडली की आत्मा होती है ये आपके थोड़े से वीक है हालांकि इसका कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना सिर्फ और सिर्फ सूर्य को प्रणाम करना शुरू कर दीजिए। राइजिंग सन लोग कहते हैं सर राइजिंग सन नौ बजे कर सकते हैं दस बजे कर सकते हैं नौ बजे दस बजे राइजिंग सन नहीं होता राइजिंग सन मतलब चढ़ता हुआ सूर्य जब वो रेड कलर का और ऑरेंज कलर का आपको दिखेगा दैट इज़ द राइजिंग सन सुबह राइजिंग टाइम से लेके घंटे का टाइम होता है एक घंटे आधे घंटे का टाइम होता है जब सन राइजिंग मोड में होता है हालांकि राइजिंग मोड तो बारह बजे तक चलता रहता है लेकिन जो नेगेटिव रेज वो नौ बजे के बाद छोड़नी शोन, शुरू करते हैं अल्ट्रावर्ल्ट रेज जो होती है वो छोड़ना शुरू कर देते हैं मॉर्निंग की जो करने होती हैं बड़ी पॉजिटिव होती हैं ये आप प्रणाम करना शुरू कर दीजिए कुंडली की जो ट्वेंटी परसेंट जो वीक पॉइंट है आपके कुंडली के अंदर वो भी खत्म हो जाएगा फेम का मैंने आपको बता दिया है आप डेढ़ दो साल के बाद किसी सेलिब्रिटी के साथ बैठे होंगे ये बात आप याद रखिएगा ये प्रोडक्शन आप मेरी लिख के लिख लीजिए और अभी ऐसा और कुछ देर के लिए हम कुंडली साइड पर रखते हैं दोबारा से कुंडली पे आएंगे लेकिन कुछ देर के लिए साइड पर रखते हैं मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ ऐसा जैसे लोग आते हैं आपके पास Uh, जैसे मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं मैं कर नहीं रही लेकिन मेरे अंदर बहुत सारे सवाल है लेकिन अब मेरे शौर जो आते हैं वो एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक सवाल करते हैं अब इरिटेट नहीं हो जाते इतने सवाल <laughs> <था। laughs> पुनीत जी सुबह से लेकर शाम तक दस से पंद्रह बंदों से मैं मिलता हूँ रूटीन में मिलता हूँ Uh, अगर मुझे बहुत साल हो गए ये काम करते हुए बहुत साल हो गए मुझे ये मेरा पैशन था एक्चुअली आपको स्टोरीज पता है सबको पता है, जो सब्सक्राइबर है मेरे सबको मालूम है टीवी के साथ जो जुड़े हुए हैं शो के साथ जो जुड़े हुए हैं सबको मालूम है जो टी वी देखते हैं कि मेरी स्टोरी क्या रही मैं क्यों स्टॉलॉजी में आया वो सब कुछ आप जानते हैं क्योंकि पैशन था जब इंसान का पैशन होता है तो उसके लिए रोज़ एक नया एक्सपीरियंस होता है मेरे साथ रोज़ एक नया एक्सपीरियंस होता है मैं लोगों को मिलता हूँ अलग अलग प्रॉब्लम्स लोगों की सुनता हूँ प्रॉब्लम सुन के नया एक्सपीरियंस सुनने को मिलता है हल तो देता हूँ उनको मैं तो वो एक्सपीरियंस जो होता है हर टाइम पे आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सीख सीखने को देता है वो मुझे वो हर चीज़ हर टाइम पे कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है नेगेटिव इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं खुद मेडिटेशन करता हूँ मैंने आपको शायद बताया भी था मेरे दर्शक भी जानते हैं मेडिटेशन मैं रात को सोने से पहले ज़रूर करता हूँ मेरी ओवरनाइट काफ़ी टाइम तक जो है कंसल्टेशन चलती हैं ओवर नाइट आप मान के चलिए डेढ़ दो बजे तक तीन बजे तक मेरी इंटरनेशनल जो कंसल्टेशन uh, चलती हैं क्योंकि वहाँ का यहाँ का समय का बहुत फर्क है टाइम जोन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है केवल यहाँ पे अगर दिन होगा तो वहां पे रात होगी वहां पर दिन होगा तो यहाँ पे रात होगी तो मोस्ट लाइकली जो uh, बाहर की कंसल्टेशन रहती हैं ओवरसीज़ जो इंडिया के बाहर की वो तकरीबन मेरी रात को होती है इंडिया की भी रात की होती है लेकिन ओवरसीज़ हमेशा रात को होती है वो करने के बाद मैं मेडिटेशन पे बैठता हूँ और मुझे आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा मेडिटेशन पे बैठने की आदत पड़ चुकी हुई है उस वजह से जब मैं मेडिटेशन से उठता हूँ तो मैं फिर दोबारा फ्रेश हो जाता हूँ आप यकीन मानेगा एक साइंटिफिक फैक्ट बताने जा रहा हूँ पाँच मिनट की मेडिटेशन ढंग से की हुई मेडिटेशन हालांकि मेडिटेशन के ऊपर मैंने टॉपिक किया हुआ वो आप जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक एपिसोड पड़ा हुआ है मेडिटेशन का वो आप देख सकते हैं कि मेडिटेशन कैसे करनी है समय ज्यादा ना लेते हुए मैं बता दूं आपको पांच मिनट की मेडिटेशन आपके दो घंटे की नींद पूरी करती है इसलिए मैं रेस्टलेस भी नहीं होता नींद भी मेरी पूरी हो जाती है और आराम से काम भी करता हूँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि मेडिटेशन मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा बहुत बड़ा टूल है जिसकी वजह से मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ नेगेटिव लोग भी आते हैं बहुत सारे नेगेटिव ओरा वाले आते हैं उनके अंदर भी पॉजिटिविटी फूक जाती है जब आप मेडिटेशन करते हैं मेडिटेशन पाँच मिनट की आपको दो घंटे की नींद आपकी पूरी कर जाती है आपकी यहाँ से समझ लीजिए अगर आधा घंटा आपने मेडिटेशन की तो आपको कितनी नींद आपकी जो है वो आपकी वो उसमें कवर हो जाएगी और आपकी बॉडी जो है कितनी तरफ ताज़ा रहेगी तो एक सीक्रेट है मेरी ज़िंदगी का जो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मेडिटेशन से बहुत रिलीफ मिलता है नेगेटिविटी दूर दूर तक नहीं आपके पास आती अगर मेरी माने अगर आप नेगेटिव हैं आपके अंदर वही डिप्रेशन चल रहा है तो मेडिटेशन को आप अपना सहारा बना लीजिए यकीन मानिएगा पंद्रह दिन बीस दिन तीस दिन एक महीने डेढ़ महीने के बाद आपका जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी उतना टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा लेकिन आप महीने डेढ़ महीने बाद ये खुद फील कहेंगे करेंगे कि सुनील जी ने एक कहा था वो चीज़ सच हुई है फैक्चुअल बात है साइंटिफिक बात है इसके पीछे लॉजिक है जो मैंने आपको बताया है आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे तरोताज़ा रहेंगे और एक बात और भी है जैसे मैंने आपसे मैंने सुनील जी से आपको बताती हूँ मैंने दस बार पूछा कि आपने सभी अच्छी अच्छी बातें बताई कोई बुरी बात नहीं बताई ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी कुंडली में पॉजिटिव हो और नेगेटिव नहीं हो लेकिन मेरे दस बार पूछने के बाद भी सुनील जी ने नेगेटिव बात नहीं बताई ऐसा क्यों सुनील जी नेगेटिव बताने के लिए तो दुनिया बैठी हुई है और लोग बहुत नेगेटिविटी का भंडार लेके आते हैं सर मुझे उस इंसान ने बोल दिया कि तेरा इस दिन इस तारीख को इस डेट्स के आसपास तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ जितने भी सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं जितने लोग मुझसे मिल चुके हैं जितने लोग मिलते हैं सबको मालूम है मेरे मुँह से एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है मुझे कुंडली के अंदर नेगेटिव चीज़ भी पॉजिटिव तरीके से दिखती है क्योंकि मुझे पता है इसका सोल्यूशन है इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं वो मालूम डॉक्टर को पता होता है कि इस बीमारी का इलाज क्या है वहाँ जाके कहीं कई बार अटक जाता है जहाँ पे प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है कई बार नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो जुड़ी होती हैं उसमें टाइम लगता है उसको ठीक होने में टाइम लगता है ऐसा नहीं है कि आज छड़ी घुमाई और शाम को उसका रिजल्ट आ जाएगा ऐसा नहीं है वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इसमें उपाय में थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक होने में लेकिन उपाय करने के बाद स्टेबिलिटी है जब वो बहुत लंबी होती है जैसे शनि का रिजल्ट जो होता है वो लेट मिलता है लेकिन बहुत स्टेबल होता है वैसे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रिजल्ट थोड़े से लेट आते हैं लेकिन बड़े स्टेबल होते हैं ऐसा नहीं कि आज ठीक हुआ कल खराब हो जाएगा ऐसा नहीं है वो थोड़े से लेट आते हैं स्टेबल रहते हैं तो नेगेटिव चीजें मुझे कम दिखती हैं मैं पॉजिटिव चीजें निकालता हूं को भी करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूं क्योंकि अगर किसी की मैं एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ कोई कोई भी इंसान मेरे पास अगर कुंडली दिखाने आया कोई शख्स आता है मेरे पास कुंडली दिखाने के लिए तो उसकी कुंडली में कुछ नेगेटिव दिख रहा है ऐसा नहीं नेगेटिव नहीं होता नेगेटिव होता है बहुत होता है अगर मैं बताने पे आ जाऊँ शायद इंसान को वहां पे ही उस इंसान का बीपी लो हो जाए अगर वो उसको मैं वहां का फैक्ट बता दू तो वो मैं नहीं करता शुरू से कभी नहीं किया लोग करते हैं मैं नहीं करता आ, अगर आपकी कुंडली में अल्पायु योग है कहते हैं कि बालारिष्ट योग जो होता है चंद्र छठे घर में हो तो बच्चों में खास करके बालारिष्ट योग इसको बोला जाता है अगर मैं ये कह दूं कि इसके कुंडली के अंदर बालारिष्ट योग है तो इसकी एज कम है इसकी एज के ऊपर खतरा है तो आपके लिए उस दिन आपके ऊपर वो पहाड़ टूटेगा जो संभलना मुश्किल हो जाएगा हर वक्त आप उस बच्चे को देखते रहेंगे अपने बच्चे को देखते रहेंगे कि ये कभी भी मेरे से छिन सकता है नेगेटिव कर देगा आपको और आपको डिप्रेशन में ले जाएगा मैं ऐसा काम नहीं करता ये अगर योग हमें सभी योग मालूम है कि ये नेगेटिव योग है पता है कि इस ये जानलेवा है अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये जानलेवा है तो आप उससे आज ही नेगेटिव हो जाए हालांकि इस्टॉलोजी कर देते हैं इंसान को नेगेटिव कर देते हैं लोगों की नींदें उड़ जाती हैं नींदें हराम हो जाती हैं कि ये क्या बोल दिया वो उस टाइम से ही आपका उस समय से उस पर्टिकुलर समय से आपका समय खराब होना शुरू हो जाता है तो मेरी आदत नहीं है मैं उस अगर योग है उसका इलाज आपको जरूर बता देता हूं कि ये कर लीजिए इसको इग्नोर मत कीजिए ये ज़रूरी है ऐसे प्रेजेंट करता हूं नेगेटिविटी मेरे आसपास भी कहीं उस ईश्वर की बहुत कृपा है मैं उनके बिना चलता भी नहीं हूं और हनुमान जी और शिव जी को बहुत मानता हूँ और उनकी बहुत कृपा है कि नेगेटिविटी आस भी नहीं फटकती हनुमान चालीसा दिन में एक दो बार ज़रूर पढ़नी चाहिए मैं भी पढ़ता हूँ आप भी पढ़ा कीजिए नेगेटिविटी नहीं आती हनुमान जी बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और अगर आप हनुमान जी का सहारा भी ले लें तो आपकी ज़िंदगी में से नेगेटिविटी तो कम से कम खत्म हो ही जाएगी अभी हम लकी व्यूअर की बात कर लेते हैं वक्त बचा तो मेरी कुंडली में फिर से आएंगे लेकिन मुझे लगता नहीं है वक्त बचेगा क्योंकि अभी हमारी सीक्रेट टिप भी है और गुड लक रिपोर्ट भी है तो गुड लक रिपोर्ट जो ये आई है ये आई है कनाडा से आ, ये हैं श्रमित चौधरी हैं ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी भाभी की कुंडली आपको भेजी है आ, मेरे भाई की अभी दो महीने पहले शादी हुई है हालांकि भाभी तो इंडिया में है मैं कनाडा में हूँ लेकिन मैं आपका यूट्यूब पे शो जो है वो अक्सर देखता हूँ एस्ट्रोपडी का बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे पता है कि मेरी दिक्कत का जो हल है आपके पास है मैं माँ बाप से दूर हूँ और जो मेरी नई भाभी आई हैं उन्होंने आते ही घर का माहौल जो है वो ख़राब कर दिया है मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं मैं उनके पास नहीं आ सकता लेकिन कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरी भाभी मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं करे इनका नाम बताया आपने श्रमित चौधरी श्रमित जी श्रमित जी नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे एस्ट्रोपीडी के शो के साथ जुड़े हुए हैं ये आपकी प्रॉब्लम जो है ये बड़ी सीक्रेट है शायद इस मंच पे शेयर करने वाली नहीं है Uh, क्योंकि ये घर का मामला है सेंसिटिव मामला है ना तो हम किसी का नाम यहाँ डिस्क्लोज़ करेंगे कि भाभी का नाम क्या है या जो भी है uh, मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम दूंगा uh, इस पर आपकी रिपोर्ट जो बनेगी वो तो अलग से बनाऊंगा मैं आपको आप फ़ोन कीजिएगा अपना रेफरेंस दीजिएगा आपको एक पर्टिकुलर टाइम दूंगा क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है मैं यकीन से कह सकता हूं कि कुंडलियां आपकी मैच नहीं करके आपने शादी की होगी आपकी कुंडलियां मैच नहीं हुई होंगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम नहीं आती तो आप टाइम ले मैं पर्टिकुलर टाइम आपको दे दूंगा वो उस टाइम पे आप मेरे से बात कीजिएगा और इसका सोल्यूशन मैं आपको ऑन कॉल दे दूंगा और इन द मेन वाइल आपकी रिपोर्ट जो बनेगी वो रिपोर्ट आप अपने जहाँ भी कैनेडा का एड्रेस है वहाँ मंगवा लीजिएगा उस अकॉर्डिंगली आप रेमिडीज़ कीजिएगा आप ब्रदर अगर कर सकते हैं वो कर सकते हैं क्योंकि अगर जिनकी हम बात कर रहे हैं वो तो रेमेडी किसी हालत में नहीं करेंगे तो उसका संकल्प लेके आप या आपकी फैमिली का कोई मेंबर वो कर सकता है जिससे आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा इन द मीन वाइल फ़ोन पे जब बात होगी कुछ उपाय आपको तब दूंगा कुछ उपाय आपको वर्ष फल के दूंगा वो आप कीजिएगा और ज़्यादा नहीं लेकिन ये इतना जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि साल भर में थोड़ा वेट कीजिएगा साल भर में आप रिलेशन आपके स्मूद होते दिखेंगे और कोशिश ये करूँगा कि बेस्ट बेस्ट रेमेडी देके आपके फैमिली को जो टूटने के कगार पे वो जोड़ने की तरफ उसको लेके जाऊँ और जो जुड़ जाए तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा हमारी बात जब होगी तो आपसे बात करके आपको सोल्यूशन का मैं ज़रूर दे दूंगा तो श्रमित आप चिंता मत कीजिए सब सही हो जाएगा आपने जो जिस जिस दरवाजे पर आप हैं जहाँ पे आपने नॉक किया है वो नॉक एकदम सही है तो इसका समाधान आपको ज़रूर मिल जाएगा और आपकी रिपोर्ट भी आप तक जो है वो पहुंच जाएगी लेकिन टेलीफोनिक कंसल्टेशन के लिए आपको वक्त जो है जो नीचे नंबर दिया गया है वही क्योंकि जो ओवरसीज जो लोग हैं दूर रहते हैं वो इसी नंबर पे कॉल करते हैं और वक्त लेते हैं कि किस वक्त पे क्योंकि आपको बताया ही है सुनील जी ने कि किस तरह से वो लेट नाइट कॉल्स लेते हैं सो आपके वक्त के हिसाब से वो वक्त जो है वो सेटल कर लिया जाएगा तो आज की आज की सीक्रेट टिप क्या कहती है सीक्रेट टिप हमारे शो का रिवाज बन गया है और लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको चीज़ें समझ आती हैं और आप उस पर अमल भी कर रहे हैं तो सीक्रेट टिप पुनीत जी आज पैसे के साथ जुड़ा हुआ है जिनके घर में वेस्टेज ऑफ मनी बहुत ज़्यादा होती है मैं इनकम की बात नहीं कर रहा मैं वेस्टेज ऑफ मनी की बात कर रहा हूँ पैसा बर्बाद बहुत होता है और बिना वजह होता है और फिजूल में होता है और आपको लग रहा है कि ये तो बिना वजह का खर्चा आपके ऊपर खड़ा हो गया केवल होता है लोगों के ऊपर खर्च ऐसा कर्जे चढ़ जाते हैं या फालतू में पैसे वेस्ट होने शुरू हो जाते हैं आपको करना क्या है एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आप सभी कर सकते हैं जनरल रेमेडी है ये सभी के लिए है सभी कर सकते हैं जिनके पास वेस्टेज ऑफ मनी जिनके घर में बहुत ज़्यादा है चांदी की डिब्बी लीजिएगा एक चांदी की डिब्बी साइज़ कुछ भी हो लेकिन उसका आकार जो है वो चौरस होना चाहिए उसके अंदर नाग केसर नाग केसर के साथ हल्दी की दो गांठे और इसके साथ थोड़ा सा चांदी का बुरा चांदी का बुरा क्या होता है जो चांदी जब कोई सामान बनाया जाता है जो चांदी रगड़ के निकाली जाती है उसका जो बुरा होता है ये तीन चीज़ें इकट्ठी करके आपने अपने अलमीरा में कैश बॉक्स में या ऐसी जगह में जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहां पे इसको रख दीजिए दिन कौन सा होगा शुक्रवार का होगा और होगा कौन सा शुक्ल पक्ष का और टाइम क्या होगा मॉर्निंग का, हो का सात से आठ बजे से के बीच में का टाइम होगा सामान एक दिन पहले लेके आ सकते हैं लेकिन सुबह चांदी की डिब्बी के अंदर डालने से पहले चांदी की डिब्बी को गंगा जल से या कोई भी सरोवर का पवित्र जल आपके घर में पड़ा है उसे वॉश करके साफ करके धोके इसमें ये सामान डाल दीजिएगा वेस्टेज ऑफ मनी आपकी जो है उस दिन से ही रुकनी शुरू हो जाएगी तो बहुत बढ़िया बात रही कैसे वेस्टेज ऑफ मनी क्योंकि हर घर में पैसे की वेस्टेज तो होती होती है तो जाते जाते मैं फटाफट -फट एक कुंडली पे अपनी कुंडली पे एक नज़र दौड़वा दौड़वा देती हूँ मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है <laughs> पुनीत जी एक तो आपको नेगेटिव लो, लोगों से दूर रहना है वो आप हमेशा रहते हैं जी पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है वो भी आप रहते हैं <laughs> और एक चीज का आपको ध्यान रखना है आपको रात के समय दूध जो है वो वाइट नहीं पीना उसमें थोड़ा सा कलर ऐड करना है और अगर पीना ही आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, केसर, हल्का सा केसर और दो दाने चीनी के ज्यादा शुगर ना डालेगा जी। दो दाने चीनी के डाल के रात को सोने से पहले थोड़ा सा उपाय के तौर पे थोड़ा सा लेना शुरू कर दीजिए और लेते लेते आप मेक इन कीजिएगा डेढ़ महीने के बाद मेरे से बात कीजिएगा कि पोजीशन क्या है कुंडली की और एक सूर्य को प्रणाम राइजिंग का जरूर किया कीजिए कुंडली के नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और जो ट्वेंटी परसेंट का गैप बचा है वो भी ठीक हो जाएगा और आप खुद कहेंगे कि सर अब लग रहा है कि दो साल के बाद कुछ आपने बताया और मेरे को बहुत फर्क पड़ा है तो उम्मीद करता हूँ जी धन्यवाद और आज मेरी कुंडली डिस्कस हुई इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ और आप भी खुश हो सकते हैं आप भी अपनी कुंडली को डिस्कस कर सकते हैं ऐसे ही लाइट माहौल में जैसे मैंने डिस्कस की क्योंकि मैंने देखा है जो लोग आते हैं बहुत सैड से आते हैं लेकिन जब जब वो जाते हैं तो मुस्कुराते हुए जाते हैं तो जैसे मैंने डिस्कस की एकदम खुल के जो सवाल मन में है वो आप जो है वो कर सकते हैं और इसी के लिए अपॉइंटमेंट के लिए नीचे नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं आपके शहर बहुत जल्दी आ रहे हैं सुनील जी दिल्ली बैंगलोर मुंबई पंजाब बहुत जल्दी आ रहे हैं तो आप जो है उनके संपर्क में रहिए कैसे रहेंगे नीचे ये नंबर के जरिए फिलहाल आज के लिए इतना ही धन्यवाद